JEE मेन 2020 जनवरी अटेम्प्ट में एलन ने फिर साबित किया कि क्यों है वो सफलता का सिरमौर। हेलो, मैं आकर्ष जैन हूँ और मैं JEE मेन 2020 जनवरी अटेम्प्ट का मध्य प्रदेश टॉपर हूँ और मैंने 99.9959 परसेंटाइल अचीव किया है। मैंने एलन क्लास 10th में ज्वाइन किया था JEE एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए और साथ ही मैंने ओलंपियाड्स और KVPY का भी प्रिपरेशन किया और उन्हें क्रैक किया। एलन सिस्टम अनपैरेलल्ड है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स की ज़रूरत देखते हुए स्टडीज़ पर ध्यान दिया जाता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ 6 to 8 आवर्स मॉर्निंग में क्लासेस के बाद रेस्ट, फिर लंच और उसके बाद डाउट सेशंस के बाद सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिल जाता था। सिस्टम के अकॉर्डिंग डेली टेस्ट की जगह 15 डेज टेस्ट होते थे जिससे कि सिलेबस का कंसाइज रिवीजन हो जाता था। 15 डेज में टेस्ट होने से सिलेबस ज़्यादा कवर हो पाता है और जिससे रियल टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ और रिसेप्टिव पावर का पता चल सकता है। सिलेबस कंप्लीट होने पर हमारे कंटिन्यूस रिगरस टेस्ट्स हुए और हमारे सेल्फ एवेल्युएशन के लिए हमें एलन के पिछले साल 3 साल के AIOT के पेपर्स भी मिले जिससे कि हम हमारे मार्क्स पिछले साल के टॉपर्स के मार्क्स से कंपेयर कर सकते थे। एलन की फैकल्टीज़ का सब्जेक्ट नॉलेज एक्सेलेंट है। एलन के 2 साल की प्रिपरेशन में मुझे डाउट काउंटर्स की फैसिलिटी मिली जिससे कि मेरे डाउट्स प्रॉपर टाइम पर क्लियर हो पाए और टीचर्स का भी काफ़ी मोटिवेशन रहा जब भी स्कोर कम आया। पेरेंट्स के बिना तो कुछ भी अचीवेबल नहीं है, वो हमारे सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। फ्रेंड्स ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। बेस्ट रिजल्ट के लिए बेस्ट स्टडी ग्रुप का होना ज़रूरी है और हेल्दी कंपटीशन से भी फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी सबका लगभग 99.9% के ऊपर स्कोर रहा है। टेस्ट में भी कभी किसी की ज़्यादा आती थी तो कभी किसी और की ज़्यादा रैंक आती थी और इससे हमेशा हेल्दी कंपटीशन बना रहा और होपफुली ये JEE एडवांस तक भी रहेगा। अभी तो मैं ओलंपियाड स्टेज 2 फिजिक्स केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ में अभी KVPY का इंटरव्यू भी है। JEE एडवांस की प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है। सभी एस्पिरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। दिन में मिनिमम 3 to 4 आवर्स देना चाहिए और डाउट्स क्लियर करना भी एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए ताकि लर्निंग बेस्ट हो सके। डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना ज़रूरी है लेकिन जो टेस्ट्स होते हैं वो 15 डेज में करना बेटर रहेगा ताकि जो रिविज़न है वो प्रॉपर ज़्यादा सिलेबस का हो सके और एनालिसिस भी प्रॉपर हो सके। Think IIT, think Alan Indore.